आज के इस सेशन में सभी स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से क्लास को ले रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर भी कर रहे हैं, जिसमें सन्नी है, सुजल है, सूरज कुमार, प्रियंका कुमारी, आंचल सिंह, संध्या, अनुमेहा, बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोग कर रहे हैं। और आप इसी तरह से हमारे क्लास में जुड़े रहिए और रिजल्ट की 100% गारंटी। तो आज जो विषय हम लेके आए हैं वो थोड़ा सा इंटरनेट पे ज़्यादा फोकस किया गया है और सभी लोग पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि समय कितना मूल्यवान है। बिल्कुल 8 बजे और हमारा ये सेशन स्टार्ट हो गया। और जो भी लोग इस सेशन में नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जब भी आप क्लास के लिए बैठे हैं तो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए और क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन आप फास्ट नहीं पढ़ेंगे तो फास्ट आप आंसर नहीं कर पाएंगे। प्रीति भी है, आकांक्षा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। तो वेबसाइट तो आप देखे ही हैं, बहुत बार यूज किए हैं। तो कोई ऐसा चीज़ रहता है, ऐसा लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ और भी ओपन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आपके लिए आंसर है, पहला आंसर है ए है एकर, दूसरा है URL, तीसरा आंसर है हाइपरलिंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर शुरू कीजिए। एक बार फिर से, वेब पेज मतलब वेबसाइट को समझना है। ऐसे वेबसाइट या वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर आ गया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। सभी लोग आंसर करिए, आंसर करने में देर मत करिए, फटाफट आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा आंसर तेज करिए, और आंसर तभी आप तेज कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन को तेजी से पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, विदेशों के साथ संव्यवहार और पांचवा है ये सभी। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो नेट पर बैंकिंग, बैंकों की बैठक बिल्कुल नहीं, नेट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं। तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या है? आंसर कीजिए फटाक से। बिल्कुल आंचल का आंसर आ गया, करेक्ट, बहुत अच्छा, फटाफट आंसर करिए। चलिए अब आप आंसर अपना चेक करिए। तो ये सही आंसर है, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग इज द राइट आंसर। विदेशों के साथ संव्यवहार का कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि नेट प्रैक्टिस करना नहीं है। नेट पर बैंकों की बैठक तो चलता रहता है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। मतलब इंटरनेट के जरिए बैंकिंग का मतलब हो गया इंटरनेट के जरिए ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया रुपये का लेन देन। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कनेक्टिविटी का मतलब होता है जोड़ना। तो निम्नलिखित में से क्या ऐसा चीज़ है जो जोड़ सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है इंटरनेट, डेटा, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड। आंसर सेलेक्ट कीजिए।
निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? डेटा से कनेक्ट हो सकते हैं क्या? पावर कार्ड से कनेक्ट हो सकते हैं क्या? फ्लॉपी डिस्क से कनेक्ट हो सकते हैं क्या? या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं? तो कनेक्ट शब्द तो वाह वेरी गुड, आ गया आंसर। सही आंसर है इंटरनेट। आंसर थोड़ा फास्ट करेंगे, इतना वक्त नहीं है, समय बहुत मूल्यवान है, तेजी से क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाक से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो जब हम लोग कोई भी ईमेल करते हैं तो उसका मेल का एक बॉक्स ओपन होता है, उस बॉक्स में सबसे ऊपर में एक बॉक्स रहता है टू, दूसरा रहता है सीसी, तीसरा रहता है बीसीसी, चौथा होता है सब्जेक्ट, पांचवा होता है बटन मेल बॉक्स, और लास्ट वाला ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल जब भेजते हैं तो मतलब जब कोई एप्लीकेशन आप भेजते हैं तो पूरे एप्लीकेशन का सारांश आपको कहाँ पे दिखता है? बस वही इसका भी आंसर है। तो लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देता है। कौन सा लाइन बताता है? टू। टू में तो जिसको हम ईमेल भेजते हैं उसका एड्रेस देते हैं। सीसी, जिसको इसका ईमेल का कॉपी भेजना है सीसी वाले में उसका एड्रेस देते हैं। तो होगा इसका सही आंसर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट में मेल के बारे में पूरा डिटेल लिखते हैं। आंसर थोड़ा फास्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। डैश ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे डाटा डैश ऐसे डिवाइस हैं, मतलब डिवाइस का नाम बताना है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा को ट्रांसमिट करने, ट्रांसमिट का मतलब है डेटा को कहीं से लेना है और कहीं पे भेजना है, डेटा का आदान प्रदान करना कम्युनिकेट करना कहलाता है, ट्रांसमिट करना कहलाता है। इसके लिए क्या कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? ड्राइव्स, प्लेटफॉर्म, ड्राइव बेज, मॉडेम, और अगला आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइव हो सकता है क्या? ड्राइव बेज हो सकता है क्या? प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन चलता है, और ये मॉडेम। तो इंटरनेट में हम बताए थे इंटरनेट को चलाने के लिए चार कंपोनेंट का होना जरूरी है। एक तो एक पीसी होना चाहिए, दूसरा एक पीसी होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, आईएसपी होना चाहिए, और टेलीफोन लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन है नहीं, आईएसपी है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। वाह आंसर आ भी गया, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर डी मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे डैश के साथ जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन पहले देख लीजिए इसका। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो केवल नेटवर्क का कनेक्शन है, सिर्फ वो नेटवर्क को ही कनेक्ट कर सकता है, जिसे डैश के साथ जोड़ा जा सकता है? तो किसके साथ जोड़ते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ, इंटरनेट पे, इनमें से कोई नहीं, या इंटरनेट पे? तो सही आंसर है इंटरनेट, इंटरनेट के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के नाम से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन अनसॉलिसिटेड ईमेल, ईमेल क्या होता है? ईमेल कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस। ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बाय विच वी कैन सेंड एंड रिसीव एनी मैसेज। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। ऑप्शन ए यूजनेट, स्पैम, बैकबोन, न्यूज ग्रुप और फ्लेमिंग, ये चार ऑप्शन है अनसॉलिसिटेड ईमेल। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर सही है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्लो अब तक नहीं आया है, चलिए कोशिश करिए, मोबाइल में भी होता है।
सब लोग अपना अपना आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है स्पम। स्पम को अनसॉलिसिटेड ईमेल कहा जाता है। तो आप देखते हैं जब आप ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे ईमेल जब आईडी आप ओपन करते हैं तो कुछ फोल्डर आपको दिखता है। एक फोल्डर आता है इनबॉक्स, दूसरा आउटबॉक्स, स्पम भी एक फोल्डर होता है, ड्राफ्ट भी फोल्डर होता है, सेंड भी फोल्डर होता है, इस तरह से कई फोल्डर होते हैं, उसी में एक स्पम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नंबर 8, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। अब देखिए वेब पेज का कोड कैसे लिखते हैं। जो लोग ADCA का कोर्स किए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन पता होगा। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में, विनजिप में, पर्ल में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और अगला ऑप्शन है URL। एक बार क्वेश्चन फिर से, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज जब बनता है तो जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें वेब पेज का ही कलेक्शन होता है, तो किसी भी वेब पेज को जब बनाते हैं तो उसका कोड लिखा जाता है, जिसको कोडिंग भी कहते हैं। और आजकल कोडिंग कोर्स बहुत पॉपुलर हो गया है, और ये कोडिंग हमारे यहाँ भी कराया जाता है, और हमारे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, RCSM कंप्यूटर सेंटर से भी कोचिंग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आप अंदाज़ा लगा लिए। वाह, बहुत अच्छा आंसर आना शुरू हो गया कोचिंग शब्द आते ही। बिल्कुल सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर D। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही हम लोग कोचिंग करते हैं, और यह HTML का कोचिंग नॉट पैड में होता है। तो वाइट पैड नॉट पैड तो पढ़े ही होंगे, तो नॉट पैड में ही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कोचिंग होता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्राइवेट करते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं, वेब पेज पर बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्म ठीक से भरा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक इंक्वायरी फॉर्म आप भर रहे हैं, या फिर कोई आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, या कोई वैकेंसी का, जैसे अभी बेल्ट्रॉन की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो ये तय करता है कि फॉर्म ठीक से भरा हुआ है या नहीं है। तो उसके लिए फ्लैश, एपलेट्स, स्पाइडर्स, कुकीज, स्पार्क्स, तो इसमें से आंसर क्या हो सकता है, चलिए मैं ही बताता हूँ। कुकीज के द्वारा ही ये तय किया जाता है कि हमारा फॉर्म पूरे तरीके से फिल हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब उसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और हमको लगता है कि सभी लोग, आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि इस तरह का आप रोज वेबसाइट खोलते हैं और वेबसाइट पे जब जाते हैं तो कहीं पे माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो ये जो पॉइंटर है यहाँ पे जो दिख रहा है वो पॉइंटर हैंड कैसा हो जाता, हाथ कैसा बन जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप, फॉर्मेटिंग एरर, स्पेलिंग एरर और ग्रामर एरर। बहुत अच्छा आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट।
और देखिए, एक पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर, एक ऐसा जगह जिस पर पोजीशन किया जाता है, जब माउस को ले जाते हैं तब उसका आकार हाथ के जैसा हो जाता है, कहाँ पे होता है? तो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक पर जब हम कोई भी लिंक किया हुआ चीज़ होता है वहाँ पे जब पॉइंटर को ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर वो हाथ के ऐसा बन जाता है ना, तो इसी को कहते हैं हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं। वाह, आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? चलिए, आपके पास किसी का ईमेल आया जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उस ईमेल के साथ आप क्या करेंगे? ये आपके बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है ये क्वेश्चन। इसे सीधा पुलिस के पास भेजना चाहिए या बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए? बिना खोले अगर पुलिस के पास भी भेज दिए तो भी गड़बड़ है, बिना खोले अगर मिटा दिए कहीं उसमें आपके लिए कुछ बेहतर चीज होगा तो भी आप उससे चूक जाएंगे, और सी है खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उनका उत्तर देना चाहिए, और अगला है उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए, और लास्ट में है उत्तर देकर बताए गए बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सिचुएशन के हिसाब से इसका आंसर होता है। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त हुआ है जिसे आप नहीं जानते, किसी ऐसे व्यक्ति से ईमेल आया है जिसको कि आप जानते ही नहीं हैं, तो कुछ लोग तो पुलिस के पास भेज देंगे, कुछ लोग बिना खोले मिटा देंगे, खोल कर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उनका उत्तर देना चाहेंगे, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहेंगे, या उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क रखना चाहते हैं। चलिए, तरह तरह का आंसर आ रहा है। वाह, कोई पुलिस के पास भेज रहे हैं तो कोई बिना देखे उसको मिटा रहे हैं, और कोई चाहते हैं कि नहीं उसको उत्तर दे दें। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, लेकिन इसका सटीक आंसर है आंसर डी, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। पहले तो उसको उत्तर कर दिए, जैसे फोन आता है तो आप क्या करते हैं, कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो क्या करते हैं, सीधा उसको डायरेक्ट कट कर देते हैं क्या? नहीं कट करते, उसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद आप उनसे पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, फिर आप ये जानने का कोशिश करते हैं कि आपको किनसे बात करनी है। तो मतलब उत्तर देकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं फोन पे भी, जब फोन पे व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं तो ईमेल से क्यों नहीं? मैक्सिमम लोग सीधा पुलिस के पास भेजना चाहते हैं, नहीं, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। तो जब भी आपका फोन आता है, अननोन नंबर होता है, तो आप उससे पूछते हैं ना भाई, जब आप उससे पूछते हैं तो इससे भी पूछिए, ये बताएगा, उसके बाद आपको तय करना है कि इसके साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्या करना है ना। चलिए, बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी, अब देखिए इसमें आपको लगेगा कि शायद ये जीके का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है और जीके भी मार सकते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी कट रही होगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया है, आज तो लाइव आना भी मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन आपके लिए दवाई खा खा के हम लाइव हुए हैं। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और अगला ऑप्शन है जनता पार्टी। आंसर नहीं भाई साहब, ये आंसर तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी ऑप्शन में सबसे पुरानी पार्टी भले है, लेकिन सबसे पहले बीजेपी ने वेबसाइट नहीं बनवाया था। तो देखिए, सही आंसर समाजवादी पार्टी, सही आंसर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही पहली राजनीतिक पार्टी है जो अपना वेबसाइट बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी अपलोड किया है?
आपको फिर देखिए ये क्वेश्चन लग सकता है जीके का, लेकिन नहीं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? टेलीफोन डायरेक्टरी क्या था, जैसे हर शहरों में एक टेलीफोन एक्सचेंज होता है और उस एक्सचेंज के अंतर्गत जितना भी लोग का नंबर था सभी नंबर उस डायरी में रहता था, एक बुक होता था उसमें रहता था, और उसी को सबसे पहले कौन सा राज्य इंटरनेट पे अपलोड करवा दिया था? तो उसमें से आपको पता शायद नहीं, आंसर नहीं आ रहा है, चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सिक्किम। सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जिसके पास जो टेलीफोन डायरेक्टरी था वो सभी लोगों का नंबर सार्वजनिक कर दिया था, अपलोड करवा दिया था इंटरनेट पे, अब तो सब लोगों का मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम है HTML, चलिए ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, देखिए कभी कभी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। HTML है ना, का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है HTML का क्या है। हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, हाई टेक मेल भाषा, फिर हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, हाइपर टेक मेक अप लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर तो आ गया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है आंचल वंदना, रोशन बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसी में HTML में ही, अभी इससे जुड़ा हुआ पहले भी क्वेश्चन आया था, HTML में ही हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग कहाँ लिखा जाता है, नोटपैड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, मतलब यह डिवाइस पूछ रहा है वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। रोडवे, नहीं रोडवे नहीं, गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, रोडवे बस चलता है, बस, पाथवे, NSF नेट, तो रोडवे पर जो चलता है ना वही इसका आंसर है। तो रोड पर क्या चलता है, ये ऑप्शन में से जो दिया हुआ है वो बस चलता है, तो इसका सही आंसर है बस। बस वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, तो इसमें देखिए एक टोपोलॉजी हम बताए थे पिछले वीडियो में, टोपोलॉजी तीन प्रकार का बताए थे, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो अगर यहाँ पे रिंग होता या स्टार होता या बस होता तो तीन में से कोई भी आंसर हो सकता था, इसमें ऑप्शन दिया हुआ बस तो बस आंसर हो गया, अगर रिंग होता तो रिंग भी आंसर सही था, यदि स्टार होता तो स्टार भी सही था, क्योंकि वही सब डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर HTML इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, डैश HTTP का उपयोग करती है, HTTP का उपयोग क्या कौन करती है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है ये HTTP, तो वर्कबुक करता है, वेब पेज करता है, FTP करता है, MTP करता है, तो इसका सही आंसर है FTP, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखिएगा, और HTTP हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो WWW के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पहला चीज ये है कि आप लोग सभी कहेंगे कि सर WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, लेकिन मैं कुछ और बताऊंगा। तो ये जो WWW है ये वर्ल्ड वाइड वेब तो कहलाता है, वो सही है, लेकिन ये WWW सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब ही नहीं है, ये एक वैसा चीज़ है जहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क आके जुड़ता है एक जगह पे, उसी को WWW कहते हैं। और किसी भी वेबसाइट के पहले, मतलब किसी भी वेबसाइट का एड्रेस
इसी www से स्टार्ट होता है, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है FTP, MTP, बैकबोन, HTTP, WBC। आंसर प्लीज। आंसर नहीं आ रहा है, चलिए कोई इशू नहीं है, मैं बताने के लिए हूँ, आपसे पूछने के लिए नहीं। चलिए, जिसका सही आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल लगा हुआ है ना, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक वेबसाइट समूह है, एक वेबसाइट, वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है, एक वेबसाइट किसका समूह है, एक वेबसाइट डैश का समूह है, किसका समूह है, वेबसाइट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बताइए कौन कौन सा होता है। एक वेबसाइट होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। तो पहला हो गया वर्कशीट, वेब पेज। वाह, आंसर आ भी गया, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर बी वेब पेज। वेब पेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। अभी देखिए इसका स्पैम का एक और क्वेश्चन आया था, फिर से क्वेश्चन चेंज हुआ है। डिलीटेड ईमेल को, अनसॉलिसिटेड ईमेल को। वाह, आ गया आंसर, बिल्कुल सही, इसका आंसर तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, ये आंसर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन से आंसर भी आ गया। पहले का जो क्वेश्चन था उसमें स्पैम था आंसर, और इस बार स्पैम है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा, अनसॉलिसिटेड ईमेल इज द राइट आंसर बी। नेक्स्ट 20, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर तो भाई सबके पास होगा, क्योंकि आप लोग दिन भर में 2-4-5-10-20 वेबसाइट तो खोलते ही खोलते हैं, चाहे YouTube का आप खोलें, Facebook खोलते हैं, Instagram खोलते हैं, या कुछ भी। तो किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज आता है, मेन पेज आता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मास्टर पेज, बी बैनर पेज, सी होम पेज, डी पहला पृष्ठ, और ई ग्रैंड पेज। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर कीजिए। आंसर आ रहा है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है, क्योंकि सब लोग तो इंटरनेट पे लगे ही रहते हैं। वास्तव में अगर मोबाइल में अगर इंटरनेट ना हो तो शायद कोई नेट का उपयोग भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन आंसर बहुत कम लोग कर रहे हैं। आंसर करिए फटाफट, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई नए लोग हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो पुराने लोग हैं इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा था, और इसका सही आंसर है होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट, जैसे जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो स्क्रीन जो दिखता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं, उसी तरह से अगर किसी वेबसाइट को हम लोग खोलते हैं उसका जो पहला पेज आता है वो कहलाता है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लीजिए ट्रू और फॉल्स आ गया, सत्य बताना है। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। देखिए इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकता है। पहला ऑप्शन है, अभी हड़बड़ी नहीं, आंसर नहीं करना है, पूरा ऑप्शन पहले देखिए समझिए फिर आंसर करना है। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, क्या ये भी सही है, हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक कहते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, प्रोटोकॉल तो नियम और कानून का सेट ही होता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। देखिए कह सकते हैं इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है।
बहुत बड़ा नेटवर्क तो है लेकिन एकल तो नहीं है ना। तो अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है, आंसर कीजिए। इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है, और इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग चिंता ना करें, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली, अदला बदली का मतलब क्या, ट्रांसफर करना एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में ट्रांसफर करना। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए डैश जरूरी नहीं है। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नेगेटिव आया है पहली बार। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए डैश जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? फ्लॉपी डिस्क जरूरी नहीं है, उपग्रह जरूरी नहीं है, टेलीफोन लाइन जरूरी नहीं है, कनेक्टर जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है? तो नेटवर्क पर, यहाँ है नेटवर्क, नेटवर्क को भी ध्यान में रखना है ना। और नेटवर्क का मतलब सीधा आप इंटरनेट से मत जोड़ लीजिएगा। ऑफिस वगैरह में जो कंप्यूटर होता है वो आपस में लैन के द्वारा कनेक्टेड होता है, और उसमें उपग्रह भी काम नहीं आता है। और यहाँ जरूरी नहीं है बोला जा रहा है, जरूरी है ये नहीं है। फ्लॉपी डिस्क से तो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उपग्रह से भी कर सकते हैं, कनेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका सही आंसर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन की अब आवश्यकता नहीं है। और ये तब आवश्यकता नहीं है जब एक हॉल में बहुत सारा कंप्यूटर है, सबको नेटवर्क में लाना है, तो उसके लिए टेलीफोन लाइन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेट पे जोड़ते हैं तो उस समय टेलीफोन लाइन की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है टेलीफोन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ क्या चीज़ जोड़ने में मदद करता है? कंप्यूटर और इंटरनेट को जोड़ने में क्या मदद करता है? ध्यान रखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट है ना, ब्राउजर, केबल, नेटफिट, विंडोज 95। तो सही आंसर होगा ब्राउजर। अगर आपके पास कंप्यूटर भी है और आपके कंप्यूटर में कोई ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर का मतलब हो गया एक वेबसाइट होता है, जैसे आपका गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, फिर आपका हो गया मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है। तो इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, तो किसी न किसी वेब ब्राउजर को चाहिए। जब तक किसी वेब ब्राउजर का आप मदद नहीं लेंगे तो कंप्यूटर पे आप काम नहीं, मतलब इंटरनेट नहीं चला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जिसके वेबसाइट का एक्सटेंशन नेम आपको ORG लिखा हुआ मिलता है। तो ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, मतलब कौन सा ऐसा वेबसाइट है जिसपे ORG लगाते हैं? जैसे आप देखते हैं MS Word में जब फाइल बनाते हैं उसमें डॉट डॉक लग जाता है, मतलब डॉट डॉक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो MS Word का फाइल है। डॉट DOCX लगा हुआ है, वर्ड का फाइल है। डॉट XLSX लगा हुआ है तो एक्सेल का फाइल है। डॉट PPTX लगा हुआ है तो पावर पॉइंट का फाइल है। तो ये जो वेबसाइट है, कौन सा ऐसा वेबसाइट है जिसका एड्रेस, जिसके एड्रेस के साथ .org लगा हुआ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हमको पता है कि हमारे बहुत सारे छात्र इसका आंसर जानते हैं जो इंटरनेट पढ़ चुके हैं। शिक्षा संगठन, गैर व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, देखिए फटाफट आंसर आने लग गया। अचल, वाह बहुत अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया और सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर है गैर व्यावसायिक संगठन, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसे WHO हो गया। तो WHO बिना प्रॉफिट लिए हुए ही काम करती है। कोरोना काल में बहुत सारा काम हुआ था तो वो सारा काम .org मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं गैर व्यावसायिक संगठन। मतलब आपको उसका सेवा तो देता है लेकिन उसके बदले कुछ लेता नहीं है। जैसे बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है,
पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली पैसा लेती है क्या? नहीं लेती है, लेकिन उस पर खर्च तो आता है ना। तो वैसा ही संगठन खर्च करता है जिसका कि आप एक्सटेंशन .org होता है और उसको गैर व्यावसायिक संगठन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, .com भी आ गया। .com डोमेन का संबंध है, .com किससे संबंबंधित है? हमारे स्टूडेंट को तो आंसर आ गया होगा, सूचना से संबंधित है, व्यक्तिगत विशेषता से, व्यापारिक संस्थान है, कला से संबंधित है, क्या है? तो यह एक .com व्यापारिक संस्थान है। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, .org था नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, .com है व्यावसायिक संगठन। इसी में और भी आता है, जैसे .net हो गया नेटवर्किंग कंपनी, .mil हो गया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, .gov हो गया गवर्नमेंट बॉडीज, .in हो गया इंडियन कंपनी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा एक्सटेंशन नेम है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से आपको किसी वीडियो में बता देंगे, एक एक चीज़ के बारे में बता देंगे। ईमेल क्या है, उसका एड्रेस कितने भागों में बटा होता है, .com का क्या मतलब है, .org का, .net का, .du का, .uk का, सब बताएंगे। अगले वीडियो में थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? बहुत कम लोगों को पता है, और ये बेल्ट्रॉन में पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ जीके का नहीं समझ लीजिएगा। 15 अगस्त 1995, 7 अगस्त 1996, 8 अगस्त 1994, 9 अगस्त 1995, किसी को पता है क्या? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि कंपटीशन को कंप्लीट करना है ना, और कंपटीशन एक समुद्र की तरह होता है, तो समुद्र को पार करके जाना है। समुद्र के अंदर कितना पानी है उसको नहीं नापना है, कितना मछली है नहीं नापना है, कितना मोती है नहीं नापना है, बस एक काम करना है कि समुद्र को पार कर जाना है, जैसे बजरंगबली पार कर गए थे, उसी तरह से कंपटीशन को कंप्लीट करना है। और ये कंपटीशन समुद्र के अंदर क्या क्या है नहीं है उसको मत देखिए, आप फोकस करिए बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम है, इससे इजी कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है। पूरे भारत के इतिहास में देखा जाए और ख़ास करके बिहार के बारे में, तो बेल्ट्रॉन का एग्जामिनेशन जितना आसान होता है, जितना इसका सिलेबस शॉर्ट है, किसी का नहीं। सब में जीके जीएस पूछ देता है, और जीके जीएस जब आ गया तो समझ लीजिए क्या हल होने वाला है। तो अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो पूरा का पूरा टाइम इसमें आप झोंक दीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? हैंड रेज करके बताइए, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? अब देखिए थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, है ना, फिर पिछले क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। यहाँ था भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन था 15 अगस्त 1995, 7 अगस्त, यहाँ पर डेट दिया हुआ है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, इसमें ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ईस्वी सन। एक ही तरह का क्वेश्चन और आंसर है, लेकिन शब्द इसका चेंज है ना, तो शब्द को भी पकड़ना ज़रूरी है। अगर शब्द को आप सही से नहीं पकड़ेंगे तो आप फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए आंसर कीजिए, आंसर आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, इसी को कहा जाता है, नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। अभी हम थोड़ा सा बैक किया गया, सब फटाफट आंसर मारना शुरू कर दिए, बहुत अच्छा। चलिए आप सब लोग अक्लमंद भी हैं, ये पता चल गया, बिल्कुल सही जवाब है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संचार के उद्देश्य कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन, है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का लेन देन के उद्देश्य कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है मेट सर्फिंग मॉडम। संचार के उद्देश्य कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, बहुत चर्चित वर्ड है ये,
सॉफ्टवेयर भाषा और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के संचार के लिए के उद्देश्य कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर में प्रयोग होता है मॉडम का, है ना। बिना मॉडम लगाए आप संचार नहीं कर सकते, और मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। जैसे टेलीफोन, टेलीफोन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, वो सिग्नल को लेता भी है और सिग्नल को भेजता भी है। उसी तरह से मॉडम भी है जो सिग्नल को लेता भी है और सिग्नल को छोड़ता भी है। और मॉडम का एक खास बात है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा अजीब टाइप का है लेकिन उसको जान लेना है। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉडम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बस दो कदम पीछे हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? यदि आप मेरे वीडियो में स्टार्टिंग से बने होंगे तो इसका आप आंसर जरूर कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है FTP का। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रीवियर्स और फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम और फाइल ट्रांसफर परफेक्ट आंसर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत तेज पढ़ना है, पढ़िए इसी तरह से। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है FTP। अभी अभी हम बताए भी थे FTP और HTTP, है ना। तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, WW से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? WW, तो अभी आप अगर मेरे वीडियो पे बने होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, तो इसका आंसर आप जरूर कर जाएंगे। तो देख लीजिए, मॉडम से, वेबसाइट, इंटरनेट से, टेलीफोन से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब, वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के आगे www जरूर लगा होता है। तो चलिए, आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन जो भी नए लोग हैं वो इस को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, ये बेल्ट्रॉन का एक और हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन मोड में, वो 11 फरवरी से 15 मार्च तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। अगर सभी लोग फॉर्म फिल कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो जल्दी से फिल कर लीजिए। और ये इसका जो फॉर्म भरा जा रहा है 15 मार्च तक है, और 16 मार्च से एक और न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन के बारे में अभी सोचे नहीं है, देखते हैं क्या हो सकता है। ऑफलाइन मोड में स्टार्ट कर रहे हैं एक 26, मतलब होली लगभग लग जाएगा लगता है, होली के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट।